टूडे पंजाब न्यूज़ चैनल दीयां खास खास खबरां दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हाँ तरसेम सिंह मठाड़ू लैके हाजिर होया जी अज दे दिन दीयां ताज़ा तरीन और वड्डियां खबरां। खबरां नूं शुरू करन तों पहले एक वारी नज़र मारदे हां चोणवीआं खबरां ते। पहली चोणवी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी दे 3 मामलों च डेरा मुखी खिलाफ कार्रवाई ते लगी रोक हटाई। गुरप्रीत सिंह दे कतल पिछे अमृतपाल सिंह दा हत्थ, DGP गौरव यादव ने कीते खुलासे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार कोलों शानन पावर प्रोजेक्ट वापस मंगया। OBC नूं तोहफा देने की तैयारी च मोदी सरकार, 7 साल जो नहीं होया कि वह हुण होवेगा। टोल प्लाजा तो इलावा किसानों ने आप विधायकों के घर अगे धरने जड़ के लाए पक्के मोर्चे। पराली साड़न से होगी FIR, मंडिया च फसल वेचण ते रोक, सैनी सरकार ने लाए वड्डे फैसले। बिना सबूतों के 50,000 रुपये तो नकदी लिजाण की नहीं इजाजत, वधीक जिला चोण अफसर। SC OBC ते सफाई कर्मचारी अगले महीने तो लै सकणगे सस्ता कर्जा, विश्वास योजना तहत करो अपलाई। सलमान नूं मारन लई मिली सी 25 लाख की सुपारी, पुलिस का खुलासा। दिवाली तो पहला केंद्रीय मुलाजमान नूं किसानां नूं केंद्र का तोहफा, DA 3% वाधा, 6 फसलों की वधी MSP। आड़तियों वल 3 दिन मंडी बंद रखने का फैसला। UP सरकार ने औरतों को दिता दिवाली का तोहफा, फ्री च मिलेगा गैस सिलेंडर। तो दोस्तों ये सीगियां अपनी इस वेले दी चोणवीआं खबरां। हुण गल करदे इन खबरां की विस्तार नाल। पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी के 3 मामलों च डेरा मुखी खिलाफ कार्रवाई से लगी रोक हटाई। सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं वड्डा झटका दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल पुराने गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूपां की बेअदबी मामले च डेरा मुखी खिलाफ कार्रवाई का हुक्म सुनाया। यह घटना बरगाड़ी विखे वापरी सी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिता है। डेरा मुखी नूं भी नोटिस जारी करके 4 हफ्तों के अंदर जवाब मंगया। खास गल यह है कि पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट वालों डेरा मुखी खिलाफ कार्रवाई ते रोक लगा दी गई सी, जिसनों सुप्रीम कोर्ट ने अज हटा दिता है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस BR गवई ते जस्टिस KV विश्वनाथन के बैंच ने अज आदेश जारी किया, जिस तों बाद हुण बेअदबी दे 3 मामलों संबंधी डेरा मुखी खिलाफ कार्रवाई का राह पद्धरा हो गया। दसनयोग है कि साधवियों के जिनसी शोषण के मामले च डेरा मुखी पहला ही जेल में बंद है। दरअसल पंजाब सरकार ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट की कार्रवाई ते रोक खिलाफ सुप्रीम कोर्ट च पटीशन दायर की सी। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने मार्च महीने च गुरमीत राम रहीम विरुद्ध बेअदबी के 3 मामलों ते कार्रवाई ते रोक लगा दी सी। पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी के 3 मामलों च गुरमीत राम रहीम ते डेरा सच्चा सौदा के 7 पैरोकारां विरुद्ध चल रहे मुकदमे को फरीदकोट की अदालत तो चंडीगढ़ तब्दील कर दिता सी। गुरप्रीत सिंह के कतल पिछे अमृतपाल सिंह का हाथ, DGP गौरव यादव ने किए खुलासे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा निर्देशों से पंजाब को सुरक्षित सूबा बनाने लई वड्डी मुहिम दौरान महत्वपूर्ण सफलता हासिल करदिआं पंजाब पुलिस ने गुरप्रीत सिंह हरिना उर्फ भोडी के कतलकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर तो अतवादी बने अर्शदीप सिंह उर्फ अर्शडला के 3 मैंबरों को गिरफ़्तार करके इस कतलकांड की गुत्थी सुलझा दी है। यह जानकारी अज इतने डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब गौरव यादव ने दी है। DGP अज इतने इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG हैडक्वार्टर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल, DIG फरीदकोट रेंज अश्विनी कपूर और SSP फरीदकोट डॉक्टर प्रग्या जैन पुलिस पंजाब पुलिस हैडक्वार्टर विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन कर रहे सन। गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों की पछाण बिलाल अहमद उर्फ फौजी, गुरमरदीप सिंह उर्फ पोंटू और अर्शदीप सिंह उर्फ झंडू वजो हुई है। जानकारी अनुसार 9 अक्टूबर 2024 में गुरप्रीत सिंह हरिना उर्फ भोडी का उस समय गोलियां मार के कतल कर दिया गया जो अपने मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर रजिस्ट्रेशन नंबर PB4U 3258 पिंड के गुरद्वारा साहब तो घर वापस आ रहा है। DGP गौरव यादव ने दसिया कि जांच दौरान यह सामने आया कि गुरप्रीत सिंह के कतल का मास्टरमाइंड विदेश आधारित गैंगस्टर अर्शडला होर व्यक्ति ने। उन्होंने दसिया कि इस संबंधी रेखीकरण और कतल को अंजाम देने विदेश आधारित वख वख संचालकों के वख वखरे मड्यूलों की वरतों की गई है। उन्होंने दसिया कि अपराधियों वालों साजिश को छुपाने वख वखरे मड्यूलों वख वख काम सौंपे गए सन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार कोलों शानन पावर प्रोजेक्ट वापस मंगया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि
हुण समा आ गया कि पंजाब सरकार सदी पुराने शानन पावर प्रोजैक्ट नूं सूबे दे हवाले करे। सुखू ने जोगिंदर नगर विखे 110 मैगावाट के शानन पावर हाउस का निरीक्षण किया ते अधिकारियों तो जानकारी ली। बाद च मीडिया नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि लीज़ की म्याद खत्म होने तो बाद हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रोजैक्ट नूं अपने हत्थां विच लैण दी हकदार है। ओबीसी नूं तोहफा देने की तैयारी च मोदी सरकार। 7 सालों में जो नहीं होया कि वह हुण होवेगा। होर पछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के घेरे नूं वधाउण दी मंग ते छेती फैसला हो सकदा है। केंद्र सरकार ने ओबीसी संगठनों नाल इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी है। फिलहाल जिहड़े संकेत मिल रहे हैं उस तहत क्रीमी लेयर की हद नूं 12 लाख रुपए तक किया जा सकता है। मौजूदा समय च ओबीसी क्रीमी लेयर की हद 8 लाख है, जिहड़ी 2017 तो वधाई ही नहीं गई। पहला हर 3 साल च इसकी समीक्षा होंदी सी। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने भी ओबीसी क्रीमी लेयर के घेरे नूं वधाउण दी केंद्र नूं तजवीज़ दी है। हालांकि इस तजवीज़ तो पहला ही केंद्र सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही थी। केंद्र सरकार के समाजिक न्याय ते अधिकारता मंत्रालय ने इस मुद्दे पर ओबीसी संगठनों नाल चर्चा भी की है। ओबीसी संगठनों ने क्रीमी लेयर के दायरे को 15 लाख तक वधाउण की मांग की है। टोल प्लाजा तो इलावा किसानों ने आप विधायकों के घर अगे धरने जड़ के लाए पक्के मोर्चे। मंडियों में झोने की खरीद और चुकाई लिए भारतीय किसान यूनियन की अगवाई सड़कों पर उतरे किसानों ने जिले के 4 टोल प्लाजा तो इलावा आप विधायक के घर अगे धरने जड़द्या पक्के मोर्चे दे दिते ने। किसानों ने ऐलान किया कि जिन्ना चर किसान मजदूर दियां हकी मंगां दा हल नहीं हुंदा उन्ना चर दिन रात पक्के मोर्चे जारी रहणगे। बठिंडा मलोट रोड स्थित बल्लूवाला टोल प्लाजा, बठिंडा अमृतसर नैशनल हाईवे स्थित जीदा टोल प्लाजा ते बठिंडा बरनाला नैशनल हाईवे स्थित लहरा बेगा टोल प्लाजे नूं पक्का जाम कर दिता गया। जाने कि हुण उत्थों दे जिहड़े भी वहीकल लंघणगे बिल्कुल मुफ्त लंघणगे। पराली साड़न ते होवेगी FIR, मंडियां च फसल वेचण ते रोक। सैनी सरकार ने ले वड्डे फैसले। हरियाणा च पराली साड़न नूं लै के सरकार ने वड्डा फैसला लिया जी। शुक्रवार नूं अहुदा संभालण तों बाद सूबे दे मुख मंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा च किसान पराली नहीं साड़नगे। अधिकारी किसानों नूं पराली साड़न तों रोकण लई समझाउणगे। हरियाणा दे खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग ने हुक्म जारी किया है कि इस सीजन में पराली साड़न वाले जां पराली साड़न वाले किसी भी किसान विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। ये कार्रवाई 15 सितंबर 2024 तो शुरू की जा रही है। इस तहत किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में रैड एंट्री की जाएगी, जिस कारण वह अगले 2 सीजन लई ई खरीद पोर्टल राही मंडियों में अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे। बिना सबूतों के 50,000 रुपये तो वध नकदी ले जाण ते नहीं इजाजत। वधीक जिला चोण अफसर चोण कमिशन के हुक्म अनुसार बरनाला विधानसभा हल्के जिमनी चोणों के मद्देनज़र बिना सबूत के 50,000 रुपये तो वध नकदी लैके जाण ते मनाही की गई है। यह प्रगटावा वधीक जिला चोण अफसर लतीफ अहमद ने जिले अंदर लागू चोण जाबते के मद्देनज़र बैंकों के नुमाइंदियों की मीटिंग में संबोधन करदिया किया है। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये तो वध की किसी भी तरह की नकदी ना ले जाण दे दस्तावेज होने चाहिए ने। उन्होंने कहा यह उन्होंने लोगों पर भी लागू होंगे जो दूजे जिलों जाते समय जिला बरनाला लंघते ने। SC OBC के सफाई कर्मचारी अगले महीने तो लै सकेंगे सस्ता करजा। विश्वास योजना तहत करो अप्लाई। विकास की मुख्यधारा तो पछड़े समाज के हेठले तबके उत्ते चुकन लई हुण केंद्र सरकार ने भी पहल की है। इस तहत SC OBC के सफाई कर्मचारियों अपना जां स्वयं सहायता समूहों के राही रुजगार शुरू करन ते उन्हां नूं अगले महीने तो सस्ता करजा मुहैया करवाया जाएगा। उन्हां नूं सालाना 5% ब्याज ते करजा दिता जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ते वित्त विकास निगम ने शुक्रवार नूं हाल ही विच शुरू की गई योजना के तहत समाज के हर इस पिछड़े वर्ग को सस्ता करजा मुहैया करवाउण दी जानकारी दिती है। निगम के प्रबंधक निर्देशक राजन सहगल ने दसिया कि विश्वास योजना तहत यह करजा 5% ब्याज दर पर दिता जाएगा। यह सीधा खाते में पाया जाएगा। पहला 7 लाख जोड़े जाने का टीचा रखा गया। अगले साल इस 8 लाख लोग जोड़े जाएंगे। सलमान खान को मारने लिए मिली सी 25 लाख की सुपारी, पुलिस का खुलासा। NCP नेता ते सलमान खान के करीबी बाबा सदीकी के कतल तो बाद भाईजान की सुरक्षा मुंबई पुलिस ने वड्डा काम बन गया। इस मामले तो बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सदीकी के कतल च उन्हां दा हाथ होने की गल कबूली सी। इस नाल ही गैंग खोलिया धमकी भी दे रहा, जेकर बाबा का यह हाल हो सकता है तो सलमान का की होगा। हालांकि हुण नवी मुंबई पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया। पुलिस वालों अदालत में दाखिल
चार्जशीट में कहा गया कि पनवेल फार्म हाउस से सलमान से हमला करने की योजना सी। सलमान की सुरक्षा के मद्देनज़र अज बिग बॉस 18 के वीकेंड का वार की शूटिंग की सख्त सुरक्षा हेठ होगी। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की हत्या की साजिश रचने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर सुखा उर्फ सुखबीर बादल सुखबीर बलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसन अज अदालत में पेश किया जाए 25 लाख रुपए की सुपारी पाकिस्तान तो AK-47 AK-92 M16 वर्गे हथियार खरीदने की पूरी योजना सी। दिवाली तो पहला केंद्रीय मुलाजमान ते किसानों को केंद्र का तोहफा, DH 3% वाधा, 6 फसलों की वधी MSP। अज केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में मुलाजमान ते किसानों लई कई फैसले लए गए। अज की मीटिंग में किसानों लई अहम फैसले लए गए, तो उन्होंने मंत्रिमंडल ने हाड़ी के मंडीकरण सीजन 2025-26 लई MSP बारे भी फैसला लिया। इस नाल ही दिवाली तो पहला केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दे रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में फैसला किया गया कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 3% का वाधा किया जाएगा। इस समय महंगाई भत्ता जिहड़ी कि DA 42% है, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 3% वाधे नाल DA ते DR 45% हो जाएगा, जो 1 जुलाई 2024 तो लागू हो जाएगा। पिछले साल 24 मार्च में केंद्र सरकार ने 4% का वाधा किया। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वाधा जुलाई तो दिसंबर महीने लई है। केंद्रीय कर्मचारियों को भी 3 महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर लई DA का बकाया मिलेगा। तुहानू दस दईए कि कैबिनेट ने 6 फसलों लई MSP वधाउण नूं भी मंजूरी दित्ती है। कैबिनेट मीटिंग में लए गए फैसलों की जानकारी दिंदिया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दस्सिया कि फसलों के घट्टो घट समर्थन मुल में 300 रुपये प्रति क्विंटल का वाधा किया गया। इस नाल ही फसलों की मार्जन लागत में भी 50% वाधा किया गया। तो आओ जानते हैं कि कैबिनेट ने फसलों पर MSP किन्ना वधाया। कणक 2425 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, यानी कि 150 रुपये का वाधा होया। जौ 130 रुपये प्रति क्विंटल हो गए ने। छोले 210 रुपये प्रति क्विंटल जिहड़े वधे ने। ते दाल 275 रुपये प्रति क्विंटल वधी है। सरों 300 रुपये प्रति क्विंटल वधी है। केस फ्लावर 140 रुपये प्रति क्विंटल वधे ने। आढ़तियों वालों 3-3 मंडी बंद रखने का फैसला। आढ़ती यूनियन दाणा मंडी भोगपुर ने दाणा मंडी में प्रधान राजकुमार राजा की प्रधानगी हेठ मीटिंग करके मंडी में आढ़तियों दरपेश मुश्किलों बारे विचार वटांदरा किया। मीडिया नाल गलबात करदिया प्रधान राजकुमार राजा ते सीनियर कांग्रेसी आगू अश्वन भल्ला ने दस्सिया कि सरकार आढ़तियों नूं बर्बाद करन ते तुली होई है, क्योंकि सरकार दीआं खरीद एजेंसियां पानग्रेन मार्केफेड ते पानसप आढ़तियों नूं ना तां पारदाना मुहैया करवा रही है ते ना ही खरीदे झोने की मंडियों में चुकाई कर रही है, जिस करके आढ़ती यूनियन ने 18, 19 ते 20 अक्टूबर नूं दाणा मंडी का गेट बंद रखने का फैसला किया है। 3 दिन किसानों का झोना दाणा मंडी में लिया नहीं दिता जाएगा। UP सरकार ने औरतों ने दिता दिवाली का तोहफा, फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर। भारत सरकार करोड़ों लोगों की जरूरतों के हिसाब से कई योजनावां चलाउंदी है। इन्हां विचों एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जो विशेष तौर पर उन औरतों लई तैयार की गई है जो अजे भी खाना बनाने लई मिट्टी के चुल्हे की वरतों करदियां ने। इस स्कीम तहत गरीब परिवारों दीआं औरतां नूं मुफ्त LPG गैस कनैक्शन दिते जांदे ने, तां जो उन्हां दा जीवन बेहतर हो सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना साल 2016 च शुरू की गई सी। इस स्कीम तहत गरीब परिवारों दीआं औरतां नूं मुफ्त गैस कनैक्शन दिता जाता है, जिस विच गैस सिलेंडर ते चुल्हा भी शामिल है। इस तों इलावा जेकर उह गैस सिलेंडर नूं दोबारा भरदे हन तां उन्हां नूं सरकार वल्लों सबसिडी भी दिती जाती है। गरीबी रेखा तो हेठां रहण वालियां औरतां स्कीम दा लाभ लै सकणगियां। अपलाई करन लई औरतां अपनी नज़दीकी सरकारी एजेंसी जां CNC केंद्र जा के अपलाई कर सकदियां ने। इस तों इलावा उज्ज्वला योजना लई अर्जी ऑनलाइन भी दी जा सकती है। दिवाली तो पहला उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना तहत लाभ लैण वाली औरतों मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। राज दीआं लखां औरतों इस दा लाभ मिलेगा ते उन्होंने रसोई के खर्चे काफ़ी हद तक घट जाएंगे। तो दोस्तों ये अपनी इस वेले दीआं वड्डियां खबरां, मिलदियां होर खबरां नाल। हुण दे लई इन्ना ही, धन्नवाद, सत श्री अकाल।